देवघर विधानसभा चुनाव, यहाँ से जदयू प्रत्याशी हैं गोविंद दास। इन्होंने विकास को अपना मुख्य मुद्दा बताया। इन्होंने अब विकास को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि बिहार में जो नीतीश के साथ निश्चय योजना का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को काफ़ी फायदा हुआ, उसी कार्यक्रम को मैं झारखंड में लागू करूंगा अगर मैं बनता हूं। तो उन्होंने जीत के प्रति भी अपने दावे को काफ़ी आश्वस्त किया और कहा कि मैं निश्चित रूप से जीत रहा हूं। आइए देखते हैं कि जदयू प्रत्याशी गोविंद दास ने क्या कहा। INN के लिए संजीव मिश्रा की रिपोर्ट। महागठबंधन से हैं, अपने आप को कहाँ पा रहे हैं आप? जो दोनों पुराने भाजपा और RJD के जो हैं अभी प्रत्याशी जी, दोनों का पुराना कार्यकाल रहा है, दोनों फेल हैं जनता के बीच में जी। विकास लेके वो लोग जा नहीं पाए, जनता त्रस्त थी उस समय जी। हम नए मुद्दे लेके आए हैं, नीतीश जी का विचारधारा, नीतीश जी के कार्य को देखते हुए हमको पार्टी ने सम्मान के साथ ये टिकट दिया है और उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सरकार के काम के अनुसार हम लोग यहाँ झारखंड में काम करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे उस तरह के काम करने का। आपके सर चुनाव का ऐसा मुख्य मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुख्य मुद्दा तो विकास होगा। जैसे 7 निश्चय करके नीतीश जी ने बिहार को पटरी पर ला दिया, आज बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है, वैसे ही यहाँ निश्चय करके उसका सर्वे कराकर काम करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ है, जड़ को मतलब मजबूत करना है जी। वो 2000-1000 रुपया दे देने से कोई भी किसी का जिंदगी नहीं सुधर जाता, घर परिवार नहीं सुधर जाता है। हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार देना। जनता आपको वोट क्यों देगी, आखिर आप में ऐसा क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हमारी विचारधारा है, हमारा आगे बिहार के शासन को देखकर जनता वोट देगी। आज पारा टीचर को वहाँ जो है सो 24,000-28,000 रुपया वेतन मिल रहा है, झारखंड में 10,000 रुपया अगर उसे बढ़ाने कहता है 5,000 तो लाठी खाती है जनता यहाँ, कोई पारा टीचर जी जी। दिक्कत तो है, विकास तो हुआ नहीं झारखंड का अभी तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा और BJP दोनों ने बारी बारी से शासन किया और दोनों का स्थिति ये है। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिधर जा रहे क्षेत्र में जनता नया चेहरा देखना चाह रही है। पूरे उत्साह के साथ लोग, जोश खरोश के साथ लोग मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं वोट करेंगे हम।